यूँ तो जयपुर को हम और आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, पर पिंक सिटी येलो सिटी बन गई जब महेंद्र सिंह धोनी यहाँ पहुँचे। कुछ वैसा ही नज़ारा दिखाई पड़ा जैसा बेंगलोर में दिखाई पड़ा था। सबको लगा कि आज भी मैच सीएसके ही जीतेगा, पर संजू सैमसन ने कह दिया, अरे रुकिए जरा, भले ही झंडा आपका लहरा रहा है पर मैच तो हम ही जीतेंगे गुरु। कल राजस्थान रॉयल्स सीएसके के खिलाफ एक आसान जीत दर्ज की और पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पर छा गई। भले ही राजस्थान रॉयल्स 2 मैच हारे थे, थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे, पर कल सीएसके के खिलाफ जीतकर थोड़ा मजबूती बनाए रखेगी अपने आप पे। बहुत ही अच्छा मैच खेली राजस्थान रॉयल्स ने कल। गुरु हम बता दें, ये ग्राउंड धोनी के लिए भी मेहरबान रहा। ये वही ग्राउंड है जहां धोनी ने 183 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। लेकिन मानना पड़ेगा राजस्थान रॉयल्स का डोमिनेंस सीएसके के खिलाफ बहुत बढ़िया है। मतलब मानेंगे तो 6 मैच में 5 मैच राजस्थान रॉयल्स जीता है। सोच लीजिए राजस्थान रॉयल्स कितना गजब का रिकॉर्ड बना रहा। कोई टीम ऐसा नहीं किया है अभी तक लगभग। तो चलिए गुरु अब मैच की ओर चलते हैं। पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 202 रन की लक्ष्य दिया सीएसके को, जिसमें यशस्वी जायसवाल 43 गेंदे खेलकर 77 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 8 चौके लगाए। जॉस बटलर कुछ ऐसा कर नहीं पाए, 21 गेंदे खेलकर 27 रन बनाए। संजू सैमसन आए, 17 गेंदे खेलकर 17 रन बनाए। कुछ कमाल तो किया नहीं किसी ने। हेटमायर आए, वो भी नहीं चले, 10 गेंदे खेलकर 8 रन बनाए। धुरु जुरेल ने अच्छा खेला, 15 गेंदों पर 34 रन की बेहतरीन पारी खेली। दत्त पाडिकल भी अच्छा खेल रहे थे, 13 गेंदों पर 27 रन बनाए और कुछ चला नहीं उतना अच्छा से। तो चलिए अब सीएसके की ओर चलते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ बेहतरीन पारी खेलते हुए 29 गेंदों में 47 रन खेले, बढ़िया रन बनाए। डेविड कॉनवे चले ही नहीं, रहाने आए, 13 गेंदों में 15 रन बनाए। भाई शिवम दुबे को मानना पड़ेगा, भाई शिवम दुबे को धोनी ने बैट्समैन बनाकर छोड़ा है। 33 गेंदों पर 52 रन की बेहतरीन पारी खेली। रायडू आए इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, वो भी नहीं चले। मोइन अली 12 गेंदों में 23 रन, जडेजा 15 गेंदों में 23 रन, और इस तरह से राजस्थान रॉयल्स एक आसान जीत दर्ज की।